अच्छी, मुझे पता था पूछ के रहेगी। तो बताइए कुछ। नहीं, मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी पुराने आर्टिस्ट सब दिखेंगे सर, वो सब जमा हो जाए एक साथ, तो इससे अच्छी बात क्या है। ओके, रिसेंटली आपका बर्थडे था, तो क्या कुछ कहने का? और न्यू ईयर भी था। अरे दोस्त है यार हमारी, ये थोड़ी हम, आप लोग क्यों इस बात को नॉर्थ कोरिया और अमेरिका बना रहे हो? ऐसा कोई नहीं है, किसी के पास कोई बटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब दोस्त है। प्रोफेशनली कुछ ना कुछ अनबन सबसे होती है, तो इसमें इतना बड़ा वो नहीं है। वी ऑल आर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली वी ऑल आर कलीग्स, मोर देन फ्रेंड्स वी ऑल आर कलीग्स। जी जी, अभी एक मैंने रामू जी के साथ एक गहर की है, स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, एक दो और हो रहा है अभी, यू विल डेफिनेटली सी मी मोर ऑन बिग स्क्रीन। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमने स्पोर्ट्स एजुकेशन चालू किया था 4-5 साल पहले, और वो स्पोर्ट्स एजुकेशन कंटिन्यूस 3 स्कूल में चला, और उनको हम मार्शल आर्ट, जिमनेशियम वो सब सिखा रहे थे। और मैं और डॉक्टर गांधी प्राउडली कहना चाहते हैं कि 2 दिन पहले 8 बच्चों को ब्लैक बेल्ट मिला है। So their career is made. What career उनकी बन गई है, अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, और आज वो भी परफॉर्म करने वाले हैं, और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट बनना। अरे वो मेरे बच्चों ने किया, कंप्लीट किया है, दैट इज ऑल द थैंक्स ड्यू टू माय वाइफ। वो इतने जब से बोलते हैं ना, पहले से डेडिकेशन के साथ उनको पुश करना बच्चों को भी बहुत एक बड़ी बात होती है, एंड आपने, अरे कमेंडेबल, क्या बात है। और सबका जॉब भी देखो तो प्रोफेशनली दे आर ऑल आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, खुद की दुकान, खुद की ऑफिस है, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि दे आर बिकमिंग इनटू, दे आर इन द इंटरनेशनल फर्म में भी दे आर एम्प्लॉयड इन यूएस। सो एजुकेशन ऐसा नहीं कि 10th 11th तक ख़त्म हो जाता है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे और आगे बढ़ के और आगे तक कहाँ तक पहुँचे, उनकी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज अगेन, दैट्स व्हाट वी वांट टू कन्वे द मैसेज थ्रू द मीडिया, दैट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड फॉर द पीपल। हमें इसमें मदद करिएगा कि ये बच्चे अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप स्प्रेड अपने सेलिब्रिटी फील्ड में भी करिए। 100%, 100%। थैंक यू सो मच।